पे काम तो हमेशा ही सराहे जाएंगे। और अगर आप आर्ट लाइफस्टाइल के हवाले से ट्राई सिटी में क्या हो रहा है ये जानना चाहेंगे तो जरा रुक कीजिए टॉक ऑफ द टाउन का। खुली आंखों से हम लोगों को हर रोज हर वक्त देखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक घंटा अपनी आंखें बंद कर हम अपने अंदर कितना झांकते हैं और अपने आप को कितना समझते हैं। कुछ ऐसी सोच है ओशो की भतीजी प्रतीक्षा अपूर्वा की, जिन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ के पंजाब कला भवन में 10वीं सोलो पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। इस पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन पंजाब के गवर्नर शिवराज पाटिल ने किया और साथ ही जाने माने पंजाबी सिंगर हंसराज हंस ने भी शिरकत की। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में प्रतीक्षा ने 32 पेंटिंग्स डिस्प्ले की हैं, जिसके बारे में इन्होंने बताया। ये चंडीगढ़ में पहली बार अपनी एग्जीबिशन लेकर आई हूँ। इनमें दो सीरीज में दिखा रही हूँ, रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल ओडिसी। पिछले 6-7 सालों से मैं एग्जीबिट कर रही हूँ अपना काम, और ये टोटल पेंटिंग्स मेरी ध्यान की ऊर्जा से उत्प्रोत हैं। ध्यान में जो मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको मैंने कोशिश की कैनवास पे लाने की। प्रतीक्षा अपने आप को खुशनसीब मानती हैं कि वो ओशो की भतीजी और शिष्य हैं। जाहिर है ये इन्हें काफी करीब से जानती होंगी। उन जैसा इंसान मैंने मतलब जिंदगी में नहीं देखा। ही इज द ओनली वन जहां मैं इन्फ्लुएंस्ड हूं, इंप्रेस्ड हूं और अपनी टोटल लाइफ उनको डिवोट की हुई है। और एकदम करिश्मेटिक पर्सनालिटी आप उनको कह सकते हो। और नॉर्मली आप देखते हो कि जो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है वो सीरियस हो जाता है, और वो नॉन सीरियस इंटेलिजेंस उनके अंदर थी। मतलब एक एक छोटी छोटी बात उन्होंने इतनी सहजता से और इतनी बड़ी बड़ी बातें भी इतनी सहजता से कह दी हैं कि जो आम आदमी नहीं कह सकता है और लेमैन भी समझ सकता है जो उन्होंने कहा है। तो इसलिए दुनिया भर से उनके डिसाइपल्स हैं। ओशो को और उनकी बातों को क्यों गलत समझा जाता है, आइए जानते हैं। क्योंकि वो समय से पहले आ गए। मुझे लगता है आज की जनरेशन बेटर समझ रही है। उन्होंने जो 50 साल पहले कहा है आज वो हो रहा है एक्चुअली। तो आज की जनरेशन बेटर समझ रही है और आज हर पढ़ा लिखा वर्ग ओशो को पढ़ रहा है और समझ रहा है। हाँ, एक टाइम था 70s में 80s में जब बहुत मिसअंडरस्टूड हुए हैं वो, पर अब जब लोग पढ़ते हैं तब उनको बातें समझ में आती हैं। कैनवस पर पेंट करते वक्त प्रतीक्षा के दिमाग में क्या चलता है, इस बारे में भी इन्होंने बात की। जब भी मैं पेंटिंग बनाती हूँ ओशो के डिस्कोर्सेज ही सुनती हूँ, और उन्हीं डिस्कोर्सेज में से मुझे कुछ नई थीम मिल जाती है, नया मिल जाता है। हर पेंटिंग के पीछे उनका एक रीज़न है और लोगों के लिए एक मैसेज है। कोई भी पेंटिंग मैंने ऐसे नहीं बनाई, या मेरे अपने मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। अपने जीवन के खूबसूरत सफर को प्रतीक्षा ओशो की देन मानती है, और इनका कहना है कि इस दुनिया में अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं इनकी ये सोच यूं ही कायम रहे और इनका काम लोगों में और प्रचलित हो। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़।